तमिलनाडु में इन दिनों दही को लेकर राजनीति हो रही है। दरअसल फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI ने दक्षिणी भारत में दही बनाने वाली सरकारी संस्थाओं को कहा कि वे दही के पैकेट पे दही ही लिखें। इसके साथ दही का कन्नड़ भाषा में मोशारू और तमिल भाषा में तैयार लिखा जा सकता है। इस पर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन को गुस्सा आ गया। उन्होंने इस दक्षिणी भारतीयों पर हिंदी थोपना करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में FSSAI का निर्देश नहीं लागू किया जाएगा, दही के कप पे पहले की तरह ताइर ही लिखा जाएगा। इसने कहा है कि लेबल अब दही मोशारू जामुदाऊ थाइर और पगेरू आदि पढ़ सकते हैं। बीजेपी भी समर्थन में उतर आई है। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई ने इस फैसले को वापस लेने के लिए FSSAI के चेयरमैन राजेश भूषण को पत्र लिखा है। इसके अनुसार FSSAI ने फैसला नरेंद्र मोदी की नीति के अनुरूप बताया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की FSSAI ने उस आदेश को वापस ले लिया जिसमें कहा गया था कि राज्य के स्वामित्व वाले डेयरी उत्पादक निर्माताओं को दही पर हिंदी शब्द दही का लेबल लगाना चाहिए। इसके बाद में कोष्ठक में क्षेत्रीय नाम होना चाहिए। एक प्रेस विज्ञप्ति ने FSSAI ने अपने किण्वित दुग्ध उत्पादों के मानकों से दही शब्द को हटाने पर कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। यह निर्णय लिया गया है कि FBO लेबल पर कोष्ठक में किसी अन्य पदनाम के साथ दही शब्द का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ लेबल अब दही मोसारू जामुदाऊ थाइर और पगेरू आदि शब्द पढ़ सकते हैं।